हरियाणा के बहादुरगढ़ में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या करने के 5 दिन के बाद कल जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके परिवार को आश्वासन देने के लिए पहुंचे थे तो उनके सामने ही नफे सिंह राठी के दोनों बेटे वहीं बैठे थे और तभी उनके मोबाइल पर फ़ोन बजा और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा कि तुम्हें भी अपने तुम्हारे पिता की तरह मार दिया जाएगा नहीं तो तुम लोग चुप रहो। और ये बातें शाम होते होते कल अखबारों की टीवी चैनलों की सुर्खियां बन गई कि नफे सिंह राठी की हत्या तो की ही गई है, उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और उसी दिन यानी कल ही एक बड़ा खुलासा हुआ था कि नफे सिंह राठी की हत्या में बैंकॉक में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम कपिल सांगमान उर्फ नंदू बताया गया, नंदू गैंग ऑपरेट करता है, इस गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। तो पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर थी और फ़ोन करने वाले जो धमकी दे रहा था, जो व्यक्ति नफे सिंह राठी के दोनों बेटों को पूरे परिवार को जान से मारने की, उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी आज गिरफ्तार हो गया। लेकिन आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन आरोपी हरियाणा का नहीं है, पंजाब का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, बल्कि वो राजस्थान में छिपा हुआ था और राजस्थान का ही बताया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस धमकी देने वाले गैंगस्टर के गुर्गे को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि नफे सिंह राठी के परिवार या उनके दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जो पकड़ा गया है क्या वो किसी गैंग से ताल्लुक़ रखता है या नंदू गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जसड़ी गैंग, किसी गैंग से उसके संबंध हैं, इस बात का खुलासा फ़िलहाल अभी नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि पुलिस ने तुरंत उस नंबर को ट्रैक करके राजस्थान से उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल हमने देखा जब दीपेंद्र हुड्डा मीडिया के समक्ष अपनी बातें रख रहे थे तो वो इस बात को बहुत ही ज़ोर शोर से उठा रहे थे कि हरियाणा में जिस तरह से नफे सिंह राठी की हत्या की गई है और दिन दहाड़े एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या करना हरियाणा सरकार पर कई बड़े सवाल तो खड़े करता ही है, और उनके सामने ही जब जान से मारने की धमकी, सोचिए 4 से 5 दिन गुजरा था, 4 से 5 दिन बाद पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देना और कई लोगों के सामने, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अभी हत्याकांड को 4 से 5 दिन का वक्त नहीं गुजरा और फिर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा इस बात को बहुत ज़ोर शोर से कल मीडिया के समक्ष उठा रहे थे और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने एक्शन दिखाया और अगले ही दिन आरोपी गिरफ्तार हुआ। इस पूरे मामले में जैसा मैंने जिक्र किया कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं नरेश राठी, जो कभी नफे सिंह राठी के दोस्त हुआ करते थे, दोस्त आप नहीं कहेंगे बल्कि अगर हम ये कहें कि नफे सिंह राठी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नरेश राठी को राजनीति में लेकर आए और उनका बड़ा योगदान रहा, लेकिन बाद में जो इन्होंने 32 बीघे ज़मीन खरीदी थी किसी पुलिस के अधिकारी से, उस ज़मीन को बेचने को लेकर, कब्जे को लेकर इनके बीच में आपसी लड़ाई ठनी और वो लड़ाई नफे सिंह राठी की हत्या की वजह भी बताई गई। खैर, इस पूरे मामले में नरेश राठी ने ये कहा है कि उनका इस पूरे हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके अगले ही दिन जब गैंगस्टर कपिल सांगमान और फर्नांडू का सोशल मीडिया पर वो जिम्मेदारी वाला पोस्ट निकलकर सामने आया तो आप कहीं ना कहीं आरोपी तो बनाए गए हैं, 7 नामजद 5 अज्ञात लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन नंदू का जो सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाला पोस्ट आया था वो एक दिन बाद आया था। तो इस पूरे घटनाक्रम में गैंगस्टर गठजोड़ निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस 5 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी भी ना तो किसी भी हत्यारे तक पहुंच पाई है, ना ही उस कार का जो मालिक है, क्या वाकई में कार उसी की थी या फिर वो उसमें शामिल था, ये भी पता नहीं लगा पाई है। इस पूरे मामले में एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हरियाणा की पुलिस नहीं कर पाई है। झज्जर के SSP जो हैं अर्पित जैन, उनका कहना है कि हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे आरोपियों को। लेकिन जो I-20 कार थी वो दरअसल जब उस नंबर को ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया, तो किसी विष्णु नाम के व्यक्ति
के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी, और जब उसके उस दर्ज एड्रेस पर पुलिस गई, वहाँ पर हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद एक जगह है, वहाँ पर जाती है पुलिस, विष्णु मिलता है, और विष्णु को लेकर पुलिस एक गैंगस्टर है नीरज फरीदपुरिया उसके गांव जाती है, फिर उसके बाद उसे छोड़ देती है। अभी फ़िलहाल विष्णु का रोल है नहीं है अभी इस बात की भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो शूटर धमकी देने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ राजस्थान से, इसकी गिरफ्तारी के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे राज हैं जो नफे सिंह राठी के हत्याकांड से जुड़े हुए वो निकल कर सामने आ सकते हैं। तो इंतज़ार करना होगा कि आगे इस केस में क्या कुछ खुलासा होता है। बने रहिए वीडियो न्यूज़ के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।